हेलो प्लानर्स, दिस इज निकिता और जरा इस एड को देखिए। क्या लगता है आखिर ये किस चीज का एड होगी? लॉन्जरी, फेमिनिन प्रोडक्ट्स, मे बी किसी परफ्यूम का, राइट? वेल नो, ये एक निसान कार की एड है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आई नो, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा है कि आखिर इस कार की एड में इस लड़की का क्या काम है। सो वेल, ये एड देखो। लेमन फ्लेवर्ड कॉकटेल को डायरेक्टली कंपेयर किससे किया गया? इस लेडी के ब्रेस्ट से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उषा स्विंग मशीन के ये एड्स। सभी जन अपने बेटियों को ट्रेन करो अच्छी हाउसवाइफ्स बनने के लिए। कैसे? उन्हें सिलाई सिखा के। अब ऐसे सेक्सिस्ट एड्स सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ये तो पक्का है, लेकिन आखिर कितना बड़ा और एग्जैक्टली कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इन एड्स का? और एक मिनट, जब ये एड्स इतने ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है तो आखिर ये कंपनियां ऐसे एड्स बनाती ही क्यों है? इससे इनको क्या फायदा है? वेल लेट्स फाइंड आउट। So, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लमेटिक सेक्सिज्म, यानी किसी भी इंसान के उसके जेंडर की वजह से हो रहे उसके खिलाफ बायस के बारे में। So, इसका फर्स्ट एलिमेंट है सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, जिसका फर्स्ट एग्जांपल है ये एड। 2016 में जैक एंड जोन्स की इस एड पर देश भर के कई लोगों ने सवाल उठाए, उस पर ऑब्जेक्ट किया, और फिर जिसके बाद शर्मिंदा होकर जैक एंड जोन्स को ये बिलबोर्ड से अपने एड्स हटाकर लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी थी। लेकिन क्यों? आखिर क्या प्रॉब्लम थी इस एड में? वेल, इसमें डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ये सजेस्ट किया गया है कि ही इज टेकिंग हर होम टू हैव सेक्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा सेक्सुअल कंटेंट अगर तुम सरेआम सारे बिलबोर्ड्स में छापोगे, एंड मोर सो जिसमें बच्चों के रोल मॉडल्स तक शामिल हैं, हीरोज शामिल हैं, सो क्या आपको ये नहीं लगता कि इससे इनडायरेक्टली ये मैसेज जा रहा है बच्चों के लिए कि अगर मेरा फेवरेट स्टार, कोई भी सेलिब्रिटी या वो आदमी जो अच्छा दिखता है, वो ऐसा कर सकता है, तो ये बहुत ही आम बात है और मुझे भी ये करना चाहिए, ये काफी कूल है, आई शुड बी डूइंग इट। अब सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन का एग्जाम्पल नंबर टू है ये है। मर्सिडीज की यह दर्शाती है कि मर्सिडीज में अब 8 एयरबैग शामिल है, विच इज वेरी गुड, सेफ्टी के लिए अच्छी बात। लेकिन यहाँ पर इन एयरबैग्स को कंपेयर किससे किया गया है? ऑफ कोर्स 8 ब्रेस्ट से, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी लड़की के ब्रेस्ट को दिखाकर आप किसी भी इंसान का ध्यान अपनी एड की ओर आकर्षित कर सकते हो इजीली। लेकिन यार, ये सब करने में इतनी प्रॉब्लम क्या है? ये तो बस सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और एड्स थोड़ी ना लोगों को इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है। वेल, क्या प्रॉब्लम है वो जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सो वेल, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर स्टैट्स देखें तो बस गए साल ही मोलेस्टेशन की 1679 केसेस, रेप के टोटल 1236 केसेस और सेक्सुअल हैरेसमेंट के 376 केसेस दर्ज किए गए थे, और 2020 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के टोटल 23,722 केसेस आए थे। अब नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ये सारे के सारे केसेस इन एड्स की वजह से ही आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि जब इंडिया में ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे एड्स जिसमें औरतों को खुलेआम ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उनके अनेक पॉजिटिव्स को, खूबियों को सब कुछ साइड में रख के सिर्फ उनके सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स पे फोकस डाला जा रहा है ताकि आदमियों का ध्यान आकर्षित हो आपके एड की तरफ, क्या ये ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन इंडिया को और ज्यादा वर्स नहीं कर देगा? अब दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चे दिन में ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटा टीवी देखते हैं और हर 14 मिनट में एड्स आने की शुरुआत होती है, जिसमें एटलीस्ट कुछ 4 से 5 30 सेकंड्स के एड्स होते हैं। यानी इन 2 से 3 घंटे के टोटल ड्यूरेशन में बच्चे टोटल 20 to 25 एड्स देखते हैं। लेकिन अगर उन एड्स में से मेजॉरिटी एड्स ही ऐसे सेक्सुअल होंगे तो क्या इससे हम बचपन से ही बच्चों के दिमाग में सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे? और इन फैक्ट ये चीज तो आपको और मेरे को हमें भी नहीं पता है। सो क्या आपको नहीं लगता कि इंस्टेड ऑफ शोइंग सच सेक्सुअल कंटेंट, एड मेकर्स को सोशल अवेयरनेस फैलाने वाले एड्स दिखाने चाहिए टू टैकल द प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी ऑलरेडी फेस कर रही है, जैसे कि अवेयरनेस अबाउट फीमेल फेमिसाइड, रेप कल्चर, डाउरी कल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि उससे पहले हमें खुद को इन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर होना होगा, हमें खुद को उन प्रॉब्लम्स को नोटिस करना सीखना होगा, उन चीजों के बारे में नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी। और इसी अवेयरनेस को फैलाने की ओर पहला कदम उठाया है कुकू FM ने। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको परी हूं मैं, बलात्कार के बाद और दहेज एक शैतान जैसी बुक्स मिलेगी, जो आपको कन्या भ्रूण हत्या यानी लड़कियों को कोख में ही मार देना, रेप विक्टिम्स के साथ होने वाला भेदभाव और दहेज के कारण लड़कियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में अवेयर करने वाली स्टोरीज दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, हिस्टोरिकल चीजों पे, सेल्फ हेल्प पे, मोटिवेशनल चीजों पे, बायोग्राफीज, लव, थ्रिलर और कॉमेडी जैसे कई सारे जॉनर्स में कई सारे बुक्स मिलेंगे। और नहीं, इन बुक्स को आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे बुक्स तो आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, जिसे आप बस चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए या जिम में भी सुन सकते हो कहीं पर भी, एंड ऑब्वियसली नॉलेज का एक एक्स्ट्रा डोज ले सकते हो।
एंड ये सब कुछ भी 1 रुपी से भी कम प्राइस में। मतलब इस एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन की कीमत वैसे तो 399 रुपीज पर ईयर है, पर अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 20% ऑफ, यानी कि इसकी कीमत हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 319 रुपीज पर ईयर, जो कि देखा जाए तो एक खर्चा नहीं है बल्कि आप अपने आप पर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये 20% के अलावा भी एक स्पेशल लिमिटेड कूपन कोड है फॉर टीचर्स डे वीकेंड Learn50, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन में। यानी अगर आप 5 सितंबर से पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज के जगह पे सिर्फ 199 रुपीज की हो जाएगी, क्योंकि एज यू नो नॉलेज कंपाउंड्स विद टाइम एंड यू डोंट वांट टू टेक एनी रॉन्ग डिसीजंस। सो इसीलिए गो एंड डाउनलोड कुकू एफएम एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो एनीवे गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक। लेकिन वेल, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये एड्स बनाकर इन ब्रांड्स को और इन एड मेकर्स को क्या फायदा होता है। फायदा है, ये स्टडी ही ले लो। डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के हेड टॉम रिक्टर के हिसाब से हम इंसानों का दिमाग सेक्सुअली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले नोटिस करने के लिए हार्डवायर्ड है, और इसीलिए जिन भी एड्स में सेक्सुअल कॉन्टेंट होता है लोग उसे ज्यादा नोटिस करते हैं। अब अगर हम कैल्विन क्लाइन का ही एग्जांपल ले ले तो वो अपने ज्यादातर एड्स में ऐसे ना वैसे करके बस सिर्फ सेक्सुअल इमेजरीज को यूज करते हैं। फिर चाहे वो लॉन्जरी के अलावा उनके कपड़े हो, उनके परफ्यूम्स हो, या फिर बैग्स हो, या कोई भी एक्सेसरीज हो। और इसका रिजल्ट, वेल 2020 में कैल्विन क्लाइन का ग्लोबल रेवेन्यू था 5,000 करोड़। बट यार, ये सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं होता है बल्कि मर्दों के साथ भी होता है, जिसे कुछ लोग रिवर्स सेक्सिज्म भी कहते हैं। अब ऐसा करने वाले इन सारे ब्रांड्स का ये कहना है कि हम प्रोग्रेसिव हैं, और अगर लड़कियों को हर बार सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है तो फिर मर्दों को क्यों नहीं। अब यार, जब लड़कियों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करना गलत बात है फिर मर्दों को करना ठीक है। वेल ब्लॉगर्स, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? आपका जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। बट यार, ये प्रॉब्लमैटिक सेक्सिज्म के फालूदे में सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन ही नहीं बल्कि और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हर दफा औरतों को एक ओबीडियंट हाउसवाइफ जैसे ही पोर्ट्रे करना, जिसका फर्स्ट एग्जांपल है लोटस के कुकिंग ऑयल का ये है, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि अगर तुम एक अच्छी पत्नी हो, एक अच्छी बहू हो, और तुम्हें ये प्रूफ करना है अपने घर वालों को, अपने इन लॉज को खुश करना है, उन्हें इम्प्रेस करना है, तो तुम्हें सबसे पहले तो अच्छा खाना बनाने आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी से तो तुम्हारे इन लॉज तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। बट ये ऐसा अकेला एड नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है उषा स्विंग मशीन का ये एड, जिसमें इनका ये कहना है कि अगर हर माँ बाप ने अपनी बेटी को ये दे दिया, ये उनका स्विंग मशीन दे दिया, तो बस फिर वो जिंदगी भर सिलाई करते करते खुश रहेगी। या फिर मिस्टर क्लीन का ये एड, जो सीधे सीधे ये कह रहा है कि मदर्स डे पर भी अपनी माँ को आराम मत दो, बल्कि उनको उस काम पर वापस जाने को कह दो जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, बाथरूम की सफाई करना। लेकिन आई नो द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? सो वेल, यूनिसेफ के इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एड्स में ज्यादातर औरतें ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में ही दिखाई जाती है, यानी घर के सामान की शॉपिंग करते हुए, खाना बनाते हुए, या फिर घर की साफ सफाई करते हुए। अब आई नो एड्स तो समाज का एक आईना है, वही दिखाएगा जो समाज में ऑलरेडी चल रहा है, राइट? लेकिन एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी यही मेंटालिटी इन जेंडर रोल्स को और ज्यादा सॉलिडिफाई कर देती है कि हाँ भाई, घर की साफ सफाई करना, ये सब करना औरतों का ही काम होता है, और मर्द सिर्फ काम से आकर आराम से पैर पसार कर टीवी देख सकते हैं। बट चलो, ये तो बात हुई औरतों के अगेंस्ट होने वाले सेक्सिज्म की, लेकिन इन सारे एड्स ने तो मर्दों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी दुनिया भर का स्टीरियोटाइप्स को थोपा जाता है। तुझे भूख लगती है ना, तो तू हीरोइन बन जाता है। सो वेल, स्टीरियोटाइप नंबर 1, मेन आर प्रेडेटर्स। ये डोमेस्टिक एब्यूज को प्रमोट करने वाला एड काफी जूना है। जब अपनी बीवी को मारना, उसे परेशान करना काफी नॉर्मल कंसिडर किया जाता था। लेकिन आई नो आप क्या सोच रहे हो, ये तो काफी जूना एड है, अब तो हमारी सोसाइटी बदल चुकी है। Well, I don't think so. क्योंकि ये एड हाल ही की है, जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि मर चाहे जो भी करो उसमें अच्छे दिखो, एंड यस, अपनी बीवी को मारते समय भी। अभी वी ऑल नो कि सारे मर्द औरतों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन क्या यहाँ पर ये सारे एड्स मर्दों को एक गलत लाइट में नहीं पोर्ट्रे कर रहे, एक प्रेडेटर की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? क्या इससे सबके दिमाग में ये इमेज नहीं बन रही कि चाहे जो भी मर्द हो वो औरत को हामी करने वाला है, और हमेशा मर्द ही गलत है? जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर मर्दों पर होने वाले डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस बाहर ही ना आए, क्योंकि कोई उन पर बिलीव ही नहीं करता है। टॉक्सिक फेमिनिज्म और औरतों के द्वारा किए गए मर्दों पर फॉल्स एलिगेशंस और अत्याचार, और उसके बाद उन मर्दों की स्थिति, उनका प्लाइट, इट इज वेरी रियल। और इस पे हम लोगों ने डिटेल वीडियो भी बनाई है, इंक्लूडिंग लखनऊ गर्ल वाला केस, जो ये बताता है, इजीली पोर्ट्रे करता है कि कैसे कुछ औरतें उनके लिए बनाए हुए रूल्स को, लॉज को क्लियरली मिसयूज कर रही है, उनका अब्यूज कर रही है, और मर्दों को इस वजह से भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में से लिंक कर दूंगी, आप जरूर देख सकते हो। अब बात करते हैं मर्दों पे किए हुए स्टीरियोटाइप नंबर 3 की, द मैन बॉक्स। अब ये कैटेगरी में आने वाला पहला एग्जांपल है स्निकर्स का ये है। रॉकी, तू स्निकर्स खा, क्योंकि तुझे भूख लगती है ना, तो तू हीरोइन बन जाता है, अब ठीक है? ठीक है। जिसमें भूख लगने पर एक लड़का एक लड़की बन जाता है या फिर हीरोइन बन जाता है।
लेकिन क्यों? क्योंकि नखरे तो सिर्फ लड़कियां ही करती है, लड़के थोड़ी। हाँ ऑफ कोर्स जब उन्हें भूख लगे तो कुछ लड़के लड़कियों की तरह ही नखरे करने लग जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है हेड एंड शोल्डर्स का, ये है। बीवी का शैम्पू छोड़ो, गेट द न्यू हेड एंड शोल्डर्स फॉर मेन एंड रीडिस्कवर द मैन यू वंस वर। इसपे कहा है कि अपनी वाइफ का या फिर कोई लड़कियों का शैम्पू यूज करने से तुम अपनी मर्दांगी को खो दोगे। आई मीन अब शैम्पू के बेसिस पर मर्दांगी को कैसे कैलकुलेट करने लग गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जांपल नंबर 3 है यूनिसेफ का ये रिपोर्ट, जिसके अनुसार ज्यादातर मर्दों को ही ऑफिस की कोई सेटिंग्स में दिखाया जाता है या फिर कोई डिसीजंस लेते हुए दिखाया जाता है घर के लिए, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि ये सारे एड्स मर्दों को एक मैन बॉक्स में कैद कर देते हैं कि हाँ भाई अगर तुम ऐसे करते हो तो ही तुम एक मर्द हो, जरा सा भी डिविएट करोगे तो फिर तुम्हारी मर्दांगी खो देगी। या फिर ये एड्स हमेशा मर्दों के सामने एक हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर के फाइनेंस के डिसीजंस औरतें भी ले सकती है, तो इसका प्रेशर सिर्फ मर्दों पर ही क्यों आ रहा है? अब चलो ये तो दिख रहा है कि ये सारे सेक्सिस्ट एड्स हमें किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, बट इसे रोका कैसे जा सकता है? Well, सबसे पहला स्टेप तो लेना होगा द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया को, यानी कि ASCI को। अब ASCI के कोड के हिसाब से कोई भी एड इनडिसेंसी, वल्गैरिटी या किसी के भी सेंटीमेंट्स को हर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन ये कोड सेल्फ रेगुलेटरी है, यानी कि एड मेकर्स को ये खुद से ही कह दिया है कि तुम खुद ही ध्यान दो कि तुम्हारे कंटेंट में कोई भी सेक्सुअल कंटेंट या फिर कोई भी इनडिसेंसी, वल्गैरिटी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब ऑब्वियसली जब फाइनल वर्डिक्ट लोगों के हाथ में है तो लोग किसी ना किसी इनडायरेक्ट तरीके से उसे अपने कंटेंट में इंक्लूड करेंगे ही ना, अगर उससे उनको फायदा है तो। सो इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे यूके ने 2019 में किया था। उनके एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने सारे के सारे सेक्सिस्ट एड्स को पूरी तरह से बैन कर दिया था, और इनफैक्ट वो खुद ही एक एक करके सारे एड्स को फिल्टर करते हैं ताकि इनडायरेक्ट वे में भी कोई भी एड ये सब चीजें पोर्ट्रे ना कर पाए। अब इस चेंज की ओर दूसरा स्टेप है मीडिया इंडस्ट्री में औरतों का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना। अब इंपीरियल ब्लू के ये मेन विल बी मेन के एड्स सिर्फ मर्दों को थोड़ी, ऑब्वियसली औरतों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर इन एड्स के एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव हेड अजय गहलोत के हिसाब से औरतें ये एड्स नहीं लिख सकती है बिकॉज दे डोंट थिंक लाइक मेन। पर ऐसा सोचने वाली ये अकेली कोई कंपनी नहीं है। एंड जेंडर जो कि औरतों के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनके द्वारा की गई रिसर्च के हिसाब से स्विगी जैसी बड़ी कंपनी के भी टॉप मैनेजमेंट लेवल पे कोई भी औरत नहीं है, और दूसरी तरफ ICICI में सिर्फ 4% है। अब अगर औरतें ऐसे मीडिया इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर नहीं होंगी तो वो इन एड्स का नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, और इसीलिए अगर आज की तारीख में जो प्रॉब्लमैटिक सेक्सिज्म हमारे एड्स में चालू है उस हिसाब से ये नेसेसरी है कि औरतों को भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और सीनियर मैनेजमेंट के पोजीशंस मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड स्टेप है कि नैरेटिव को चेंज किया जाए। सारे एड्स के बदले हमें ऐसे एड्स बनाने चाहिए जो इन जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हैं, जैसे एरियल का ये शेयर द लोड वाला कैंपेन, हेवल्स का ये एड ये साथ चलता रहे, ये सुकून चलता रहे, और ये वाला है जहाँ पर अपने हस्बैंड के क्रिप करने के बाद कि अगर उसकी माँ होती तो उसके लिए इडली के साथ खाने के लिए 3 टाइप का चटनी बनाती, अम्मा होता तो मिनिमम 3 टाइप चटनी मिलता, उसकी बीवी लाकर उसके सामने ये मिक्सर रख देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो ये है कि हम खुद को इस बारे में अवेयर करें, क्योंकि बिलीव मी मैक्सिमम केसेस में तो लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि क्या चल रहा है उनके साथ, सोसाइटी में क्या हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आई मीन कम ऑन यार, ये ऑर्गन डोनेशन का ये एड ही देख लो, क्लियरली लिखा है कि दिस माइट बी योर ओनली चांस टू गेट इनसाइड हर। एंड आई बिलीव कि औरतों का या मर्दों का इवन फॉर दैट मैटर किसी भी इंसान का इस तरीके से सेक्सुअली पोर्ट्रे किया जाना या उनके लिए कोई स्टीरियोटाइप्स बनाना, उन्हें कोई भी बक्से में कैद कर देना इज वेरी रॉन्ग। और इसीलिए अगर आपको इस इशू पर एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने पर मेरी हेल्प करनी है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो इसे एक लाइक कर दो, और हमेशा की तरह अगर आपको ऐसे ही फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गैजेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिया गया बेल आइकन में दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।